दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन विलियम शेक्सपियर जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सो so, देखिये क्वेश्चन नंबर टू नाइंटी थ्री शेक्सपियर इन कार्पोरेट लिवी अकाउंट ऑफ टारक्वीन लस्ट इन ए नेरेटिव वर्क कार्ट सो द राइट ऑप्शन विल बी सी द रेप ऑफ लुकिस ठीक है इनकारपोरेट लिवी अकाउंट ऑफ टारक्विन लस्ट दिखाया गया है द रेप ऑफ लुक्रिस में ये टारक्विन ये जो है लुक्रिस या इस जो पोईम की जो हीरोइन है उसके साथ रेप कर देता है जो कि उसके फ्रेंड की वाइफ है और इसी का जो लिवीज अकाउंट है वो इस पोईम में दिखाया गया है सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ये इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है देखिए क्वेश्चन नंबर टू नाइंटी फोर इन विच ऑफ अ वर्क डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्सनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर यानी कि वर्जीनिया वुल्फ एक फिक्सनल कैरेक्टर इन्वेंट करती हैं अपने एक नावल में शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में सो वो नॉवल उनका कौन सा है सो द राइट ऑप्शन विल बी डी अ रूम ऑफ वंस ओन जुड़िथ सो द राइट ऑप्शन बी बी डी इन अ रूम ऑफ वन सो वन पब्लिश ऑन ट्वेंटी फोर अक्टूबर उन्नीस सौ उनतीस वर्जीनिया वूल्फ इन्वेंटेड द फिक्शनल करेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर जोड़िथ इन हिच एस ए वुल्फ ट्राइज टू इलुस्ट्रेट दैट अ वूमेन विद शेक्सपियर गिफ्ट वुड हैव बीन डिनाइड द सेम अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दैम बिकॉज ऑफ द डोज दैट वर एंड क्लोज टू वुमेन सो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी फाइव दो सौ पचानवे इन हेमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हेमलेट घोस्ट अपीयर यानी कि इन हेमलेट हेमलेट प्ले में कितनी बार हेमलेट जो भूत है हेमलेट का भूत अपीयर होता है सो द राइट ऑप्शन सी ये फोर टाइम यानी कि चार बार जो हेमलेट के फादर हैं उनका नाम भी हेमलेट ही था उनका जो भूत है वो चार बार प्ले के अंदर दिखाई देता है ठीक है सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और ये डी एस एस बी दो हज़ार पंद्रह में पूछा गया है क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी सिक्स दो सौ छियानवे द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ठीक है निम्न में से किसको मेजर क्रिटिक माना जाता है ऑफ शेक्सपियर इन द ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि बीसवीं शताब्दी का मेजर क्रिटिक माना जाता है शेक्सपियर का एसी ब्रैडली को सो द राइट ऑप्शन विल बी पी एसी ब्रैडली इन्होंने आ, 1904 में शक्सपीरियन ट्रेजडी एक वर्क लिखा जिसके लिए मोस्ट फेमस हैं जाने जाते हैं जिसमें कि के उन्होंने केवल और केवल जो शेक्सपियर की फोर मेजर ट्रेजेडी हैं एच ओ के एम पर फोकस किया है और उसको इलस्ट्रेट किया है सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी सेवन हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टाइम शेक्सपियर का फेमस प्लेयर द टेम की जो हीरोइन है उसका नाम क्या है द so, मिरांडा डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पैरो और हीरोइन है इस प्ले की नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी एट दो सौ अठानवे क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट ओ जूलियस सीजर दू आर माइ टी एट दिट वॉक एब्रॉड एंड टर्न्स अवर आवर ओन प्रॉपर एंड ट्रेल्स वॉट इज द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की इसेंस क्या है सो यहां पर क्या है कि जो ब्रूटस है वो सीज़र के मरने के बाद उसकी तारीफ कर रहा है कि ओ जूलियस सीज़र दाओ आर माइटी हिट कि तुम तो मरने के बाद भी शक्तिशाली हो सो द राइट ऑप्शन विल बी सी सीज़र वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ यानी कि सीज़र जो है मरने के बाद भी क्या है वो शक्तिशाली है और जो ये लाइन है बोली गई है ब्रूटस के द्वारा आफ्टर डेथ ऑफ सीज़र नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी नाइन हु स्टेट दिज वर्ड फॉर शेक्सपियर सोल ऑफ द एज द एपलॉज द डिलइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज शेक्सपियर की कौन तारीफ़ करता है इन शब्दों में सो so ये फेमस कोर्ट बोला गया है शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोइट बैन जॉनसन के द्वारा कि सोल ऑफ द एज तुम तो सोल हो इस एज की युग की आत्मा द एपलॉज द डिलइट हो द वंडर ऑफ़ आवर स्टेज और हमारे स्टेज का क्या हो वंडर हो सो लाइन्स आर स्पोकन बाय बैन जॉनसन सो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड तीन सौ मैकबैथ सीज़ द घोस्ट ऑफ मैकबैथ किसका घोस्ट देखता है सो द राइट ऑप्शन विल बी ए बैंकों का जब बैंकों का वो मर्डर करवा देता है दे हायर हायर करता है और उससे वो उसको मर्डर करवा देता है उसके बाद वो देखता है बैंकट में कि एक चेयर पर उसको बैंक को दिखाई देता है जो कि उसका उसके पूरा वो खून से सना हुआ है उसके जो घाव हैं उनसे खून बह रहा है तो वो एकदम से डर जाता है उसको देख कर सो so, आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ एक कोवर्स डाय मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ जो कॉवर्स होते हैं वो कई बार मरते हैं अपनी डेथ के पहले द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बस्ट वंस लेकिन जो वैलियंट होते हैं वो केवल डेथ को एक ही बार उसको टेस्ट करते हैं यानी कि एक ही बार मरते हैं वो बार बार नहीं मरते हैं सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जो ये लाइन्स हैं ये ली गई हैं जूलियस सीजर से प्ले बाय विलियम शेक्सपियर सो द राइट ऑप्शन विल बी बी एक्चुअली जो ये लाइंस हैं इनका जो एक्चुअली जो कैलिफोर्निया है वो सीज़र को बोलती है उसी रात उसको एक ड्रीम में वो देखती है कि सीज़र की डेथ हो गई है तो वो डर जाती है उसको ऐसा लगता है कि कुछ मिस हैपनिंग मतलब होने वाली है सीज़र के साथ तो वो उसका कहती है कि आप आज है ना सीनेट मत जाओ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तब वो कहता है कि ये क्या ये तो कायरों वाली बात हो गई कावर डाइप मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ यानी कि जो कायर होते हैं वो ऐसे डर डर के जीते हैं तो इसीलिए वो डेथ से पहले ही कई बार मर जाते हैं तब ये वो लाइन्स बोलता है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ दो शेक्सपियर वॉज वॉर्न इन शेक्सपियर कब बॉर्न हुए थे तो शेक्सपियर बॉर्न हुए थे पंद्रह सौ चौंसठ ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ तीन द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स जो फॉल्ट है डियर ब्रूटस ये हमारे स्टार्स में नहीं है बट इन आवर सेल्फ ये तो हम में है दैट वी आर अंडरलिंगस कि हमें हमें हमारी जो सामने है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा दे रहा है सो कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज ये जो रिमार्क है ये कैसियस करता है ब्रूटस के सामने बिकॉज क्योंकि He was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite him against Caesar. क्योंकि वो jealousy फील कर रहा है uh, Caesar की भरती हुई ताकत से को देख कर और uh, Caesar, uh, उसको ब्रूटस को इंसाइट करना चाहता है अंगेज सीज़र सो द राइट ऑप्शन विल बी डी देखिए क्वेश्चन नंबर 304 रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माय लाइफ इज माय फोर्स डेफ इस लाइंस का क्या मतलब है इस, इस स्टेटमेंट का तो इसका मतलब ये है कि रोमियो कहता है कि दैट ही लव जूलियट वो जूलियट से प्यार करता है वाज़ द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली जो कि उसकी फैमिली की एनिमी की डॉटर है क्योंकि जूलियस क्या है जूलियट जो है एक कैपुलेट है और कैपुलेट मॉन्टेन दो फैमिली हैं इसमें जिनके अंदर एक आ, मतलब बहुत पुरानी एक आ, बहुत ही ज़्यादा पुरानी एक उनमें रंजिश चली आ रही है उनके परिवार में तब वो ये स्टेटमेंट बोलता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ पाँच वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टैमपेस्ट इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ही वॉज इंस्पायर टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट यानी कि जो द टैमपेस्ट है वो शेक्सपियर का क्रिटिक्स मानते हैं कि ये उनका लास्ट वर्क माना जाता है जो कि उन्होंने आ, लिखा अपने लास्ट फेज में वो किस घटना से इंस्पायर्ड होकर लिखा सो सो द राइट ऑप्शन विल बी सी रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप जो सेलर्स हैं वो एक शिप पर लौट कर आते हैं आ रहे होते हैं दैट हैड डिसअपियर जो कि अचानक से उनका जो शिप है वो गायब हो जाता है इस घटना से इंस्पायर होकर विलियम शेक्सपियर ने द टेम की रचना की ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ छः वॉट इज़ द ईयर ऑफ डेथ और शेक्सपियर शेक्सपियर की जो डेथ है वो कब हुई थी सो द राइट ऑप्शन विल बी बी एवरीबडी नो सोलह सौ सोलह में इनकी डेथ हुई थी और इनकी डेथ भी ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को हुई थी एक्चुअली ये बॉर्न भी ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को हुए थे ट्वेंटी थर्ड अप्रैल पंद्रह सौ चौंसठ में बॉर्न है एंड ट्वेंटी थर्ड अप्रैल सोलह सौ सोलह में ये इनकी डेथ हो गई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ सात शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन इनका प्ले है शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वस वेनिस ये कब आया था सो द राइट ऑप्शन बिल बी बी पंद्रह सौ अठानवे शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज रजिस्टर्ड इन टू द स्टेशनर रजिस्टर ऑन बाईस जुलाई पंद्रह सौ अठानवे एंड द फर्स्ट क्वार एडिशन वॉज पब्लिस्ड इन सोलह सौ हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ आठ द राइटर ऑफ इज कॉरियोलोनेस किसने लिखा है सो द वेरी इजी क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर ने लिखा है सो so आपका राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ नौ हुमंग द फॉलोइंग वॉज वॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल निम्न में से कौन सबसे पहले पैदा हुआ तो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर इन सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले ही पैदा हुए होंगे सो द राइट ऑप्शन विल बी ए विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के बाद क्वेश्चन नंबर तीन सौ दस द लैंग्वेज यूज बाई शेक्सपियर इन हीज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा अपने ड्रामाज में लैंग्वेज यूज़ की गई है वो ज्यादातर किस में है सो ब्लैंक वर्स में है सो द राइट ऑप्शन विल बी बी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ ग्यारह शेक्सपियर सॉन वन टू ट्वेंटी सिक्स जर्नली सो ए री इनेक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पर्सन ठीक है सो द राइट ऑप्शन विल बी सी उनकी जो सोनेट हैं वो डब्ल्यू एच साउथ एम्पटन को डेडिकेटेड हैं उनके साथ उनकी वो पर्सनल रिलेशनशिप को शो ऑफ करती हैं देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ बारह द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ एन एडॉप्शन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज़ ये एक जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है इस की जो सोर्स है उन्होंने एक लैटिन कॉमेडी से लिए विलियम शेक्सपियर ने जिसका नाम है मैन ऑफ मी सो द राइट ऑप्शन बिल बी डी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ तेरह शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोइम Venus and Adonis and Lucretius too. So the right option will be Earl of Southampton. यानी कि उन्होंने अपनी youthful poems का मतलब यानी कि जो अपने starting career में उन्होंने long narrative poems लिखी two जो बहुत famous है William Shakespeare कि Venus and Adonis and Lucretius जो कि dedicated है Earl lot of Southampton को जिनके patron थे. Next देखिए question number तीन से चौदह. Julius Caesar falls in point of time between यानी कि Julius Caesar किस टाइम के बीच में आता है यानी कि विलियम शेक्सपियर ने जो बहुत सारे प्लेज लिखे हैं जिन्हें तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है हिस्ट्री ट्रेजेडी एंड कॉमेडी सो so, ये कैट ये जो आ, प्ले है जूलियस सीजर ये उनका द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी के बीच में लिखा गया है ठीक है ये एक रोमन प्ले है सो द राइट ऑप्शन विल बी सी हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी के बीच के टाइम में ये आता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ पंद्रह विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ ये थर्ड चाइल्ड हैं किसके जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन सो द राइट ऑप्शन विल बी सी इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था और मै मे, मदर मैरी आर्डन थी देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ सोलह स्टेट फोर्ड ऑन एवॉर्न इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर स्टेट फोर्ड ऑन एवॉर्न इज वह प्लेस है जहां शेक्सपियर वॉर्न वे जहाँ उनका जन्म हुआ वेयर इज इज इट लोकेटेड ये कहाँ स्थित है सो इन वार्कविक शायर सो द राइट ऑप्शन विल बी ए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ सत्रह शेक्सपियर इज़ इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ़ प्लेस यानी कि विलियम शेक्सपियर एक अपने जो सब्जेक्ट मैटर जो उन्होंने अपने प्लेज लिखे हैं उनकी एक जो सोर्स है बहुत सारे अपने प्लेज की जो सोर्स है वो एक वर्क से ली है उसके वो कर्जदार हैं चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग सो वो कौन सी सोर्स रही है उनके फेमस वर्क की हॉलिस् क्रॉनिकल सो द राइट ऑप्शन विल बी बी हॉलिस् क्रॉनिकल एक ऐसी सोर्स रही है विलियम शेक्सपियर के लिए जिससे इंस्पायर होकर जिससे उन्होंने अपने बहुत से प्लेस की स्टोरी उठाई है और बहुत फेमस प्लेस उन्होंने लिखी तो आपका बी यहाँ सही हो जाएगा देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए हॉलिंस क्रॉनिकल वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्स इज यूज बाई विलियम शेक्सपियर फॉर ए नंबर ऑफ इस प्लेस सच एज़ हेमलेट किंग लियर ऑथेलो एंड सिम्बिलाइन इन सबकी सोर्स हॉलिंस क्रॉनिकल से उन्होंने उठाई थी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ अठारह विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ़ फोर ग्रेट ट्रेजर्डी ऑफ शेक्सपियर ठीक है निम्न में से कौन सा फ़ोर ग्रुप ऑफ़ ट्रेजडी से बिलोंग नहीं करता है सो so, आपको पता है विलियम शेक्सपियर की जो फोर मेजर ट्रेजर्डी हैं वो किंग लियर हैमलेट ऑथेलो और कौन है मैक बैग तो यहाँ पर जो ट्वेल्थ नाइट है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये एक कॉमेडी है सो द राइट ऑप्शन विल बी टी ये इस ग्रुप में नहीं आती नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ उन्नीस शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई जो शेक्सपियर का प्ले है हेमलेट वो किससे प्रभावित है सो थॉमस किड की ट्रेजेडी uh, है ना योर हैमलेट से ये प्रभावित है सो द राइट ऑप्शन विल बी बी थॉमस किड से इंस्पायर होकर उन्होंने ये हेमलेट लिखा था नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ बीस द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टाइमपेस्ट इज इन द टाइमपेस्ट प्रॉस्पेरो की जो डॉटर है उसका नाम क्या है सो द राइट ऑप्शन विल बी सी मिरांडा ठीक है डैजडी मोना कहाँ है ओथलो में मिलती है कॉर्डेलिया किंग लियर में एंड ऑलिविया ट्वेल्थ नाइट में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ इक्कीस द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकवेथ इस जो डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग पैशन रही है मैकवेथ की वो क्या रही है सो द राइट ऑप्शन डी एम्बिशन वो बहुत ज़्यादा एम्बिसियस था और उसकी जो uh, महत्वाकांक्षा इतनी uh, मतलब हावी हो जाती है उसके ऊपर कि वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है एक राजा बनने की जो उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी इस वजह से ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ बाईस इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ यानी कि ट्वेल्फ नाइट में जो ओलिविया है ओवर हैड एंड ईयर्स है प्यार में किसके प्यार में वो ओवर हेड एंड ईयर्स है यानी पूरी तरह से पागल है सो so, वायला एज एजरियो वो सीजेरियो के प्यार में क्या है वो पागल है सो द राइट ऑप्शन विल बी डी और वाइला जबकि कौन है एक लड़की है और वो सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज हो जाती है और जब वो उसकी लव लेटर और सीनों के लेके जाती है ओलिविया के पास तो होता है क्या है कि ओलिविया उसी के प्यार में पड़ जाती है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन शाइलॉक इज़ ए करेक्टर इन जो शाइलॉक है ये कैरेक्टर किस प्ले में शेक्सपियर के अपियर होता है सो so ये मोस्ट फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसमें ये अपियर होता है शाइलॉक जो कि एक मनी लैंडर है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ चौबीस हु सैड इट हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस कि वो कितने पुअर होते हैं वो लोग जिनमें पेशेंस नहीं होता यानी जिनमें धैर्य की कमी है वॉट वोंट डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज यानी कि जो घाव होते हैं वो भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ते उनमें भी समय लगता है तो यानी कि इंसान में क्या होना चाहिए पेशेंस होना चाहिए जिन इंसान में पेशेंस नहीं होता वो बेचारे बहुत पुअर होते हैं ये कहना किसका है यागो का सो द राइट ऑप्शन विल बी सी यागो द मोस्ट फेमस विलेन इन विलियम शेक्सपियर प्ले ऑथेलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ पच्चीस शेक्सपियर रोट शेक्सपियर ने लिखे थे एक सौ चौवन सोनेट उन्होंने लिखे थे टोटल सो द राइट ऑप्शन विल बी ए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीन सौ छब्बीस कॉर्ड केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज कॉर्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने आती है क्योंकि आउट ऑफ हर जेन्यून लव फॉर हिम सो द राइट ऑप्शन विल बी सी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करती थी इसीलिए वो उसकी हेल्प करने आती है वो रीगन और गनरल की तरह नहीं थी ये टी जी में आया है क्वेश्चन एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री ट्वेंटी सेवन हु हैजीन टर्म मोटिव मोटिवलेस मैलिग्निटी मोटिवलेस मैलिग्निटी ये टर्म दिया गया है किसको सो so, ये मोस्ट फेमस विलेन है विलियम वर्सवर्थ के जो प्ले का ओ का या इयागो यागो को ये टर्म दिया है और ये टर्म दिया गया एस टी कॉलर इसके द्वारा मोटिवलेस मैलिग्निटी सो गाई ये थे हमारे थ्री ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए इसका एक पार्ट और मैं बहुत जल्दी ही बना के बना दूँगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच